Assalamu alaikum. My name is Abdul Hasib and I am a graduated software engineer from NED University of Engineering and Technology. I have an experience of React.js developer at DigitalWave, and welcome to our first class of M10 Labs React.js course. So basically we will be starting our course from here, first learning from the basics of the JavaScript, and then we will come towards the React.js and its further advanced development, and then Firebase. So React.js को start करने से पहले मैं M10 Labs का थोड़ा सा introduction देना चाहूँगा. M10 Labs है क्या और इसके motive क्या हैं, क्या goal रखती है. तो अगर हम motive की बात करें, M10 Labs का motto क्या है, तो इसका जो हमारा मेन मकसद है और जो मेन हमारा गोल है वो ये कि एक प्रोफेशनल और इंडस्ट्री के लेवल की जो आईटी डेवलपमेंट हो रही है अब कराची में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बच्चों में लैग कर रहे होते हैं. उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, हमें किस तरफ अपने कैरियर को लेके जाना है, उसको आईटी को लेके कोडिंग डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता इतना, ना ही उनका इतना इंडस्ट्री से इंटरेक्शन होता है. तो इस चीज को देखते हुए हमने M10 लैब्स का मोटिव लिया, इनिशिएटिव लिया कि हम इसको लेके चलें, इस तरह के स्टूडेंट्स आए और लोग भी आए जिनको सीखनी है. इवन दे आर नॉट स्टूडेंट्स, इवन दे आर वर्किंग फॉर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब, दे कैन इजिली टेक आवर क्लासेज इन द वीकेंड. तो इसको हम लेके ही इसी तरह चल रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनली बच्चों को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है कि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रोफेशनल वे में जाके कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब कर सकें. तो उनको इतना कैपेबल बनाना है, उनको इतनी स्किल्स देनी है जो कि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ही कहीं ना कहीं लैग कर रही होती है. यूनिवर्सिटी आपको इतना कुछ नहीं दे पाती, थ्योरी पे उनका ज्यादा जोर होता है लेकिन प्रैक्टिकली और टेक्निकली स्किल्स इतने वो नहीं दे पाती अनफॉर्चुनेटली. तो इस चीज को लैग करते हुए ना हमने ये इनिशिएटिव लिया और हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे. तो अगर हम बात करें कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, तो हमें यही कहूँगा कि इसमें हम दोनों की एफर्ट होगी, बच्चों की भी एफर्ट होगी और मेरी भी एफर्ट होगी. ये टू वे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, तो जब हम टू वे साथ साथ कोडिंग को लेके चल रहे होंगे तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे रिएक्ट जेएस के या जावास्क्रिप्ट के. तो वो चीज आपको हेल्प करेगी जब आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे. इवन यू कैन राइट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट. हम कोर्स के दौरान, अपने लेक्चर्स के दौरान आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टेक्निकलिटीज बता रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट की, जो कि इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं एक कैंडिडेट से. तो वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर एन पोटेंशियल इंटरव्यू, ताकि आप जाएं किसी कंपनी में और एक अच्छा इंटरव्यू देखें, एक अच्छे इंप्रेशन के साथ वापस आएं. तो ये चीज़ भी हमारे माइंड में होगी. और दूसरा ये कि जब आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे, आप इसको सीखेंगे, रिएक्ट को सीखेंगे, इनके सारी स्किल्स को जब आप इस पे ग्रैस्प कर लेंगे, तो आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स. आप वो फायरबेस पर डिप्लॉय हुआ होगा, आप उसे अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं, आप उसे ईमेल के साथ अपना पोर्टफोलियो दे सकते हैं कंपनी को. तो वो कंपनी के पास और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, दे विल मोर लाइकली टू हायर यू फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, गिवन कि आपने उस पोर्टफोलियो को कितना अच्छा मेंटेन किया, कितना अच्छा बनाया है रिएक्ट पे. तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम इनको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स समराइज करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आ रहा होगा, कि आपके पास पता लग रहा होगा कि आप कहाँ खड़े हो इस वक्त रिएक्ट में और आपको कितना और आगे जाना है. अच्छा, और कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी जो मैं देना चाहूंगा, उस थ्योरी का नाम है जंपिंग चिप थ्योरी. तो वो थ्योरी ये कहती है कि एक बच्चा था, उसकी नानी अम्मा के घर चूजे होते थे. तो वो क्या करता था कि जब उनको वो दाना डालता था, उन्हें खाना देता था, तो उन सब चूजों में सिर्फ एक चूजा ऐसा होता था कि वो उछल उछल के खाना ले रहा होता था बच्चे के हाथ से.
तो उस इस तरह जब वो उछल के लेता था तो उससे बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा खाना मिलता था, वो ज्यादा खाता था, ज्यादा पेट भर के खा लेता था। तो जब इसको हमने एनालाइज किया, इससे हम अगर कोई लेसन लर्न करना चाहें वो ये कि यू हैव टू बी अ जंपिंग चिक ऑल्सो। वो ये कि आपने अपनी पूरी एफर्ट करनी है कि आपने उछल उछल के खुद आगे बढ़ के हमसे पूछना है कि ये क्या, ये क्या, कोई चीज समझ नहीं आ रही। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, वी आर हेयर टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द नॉलेज अबाउट रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पूछना है हमसे, हम बिल्कुल रेडी होंगे बताने के लिए। आपकी एफर्ट ज्यादा मैटर कर रही है, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अपनी एफर्ट और कर रहे होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम और ज्यादा इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर कर पाएंगे। और आप जितना ज्यादा जंपिंग चिक बनेंगे उतना ज्यादा आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स बहुत अच्छी जगह, बहुत अपर लेवल पे खड़े होंगे अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से, रिएक्ट के लिहाज से, और इवन यू कैन गेन अ वेरी गुड जॉब फ्रॉम दैट। तो मेरी सबसे सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि बी अ जंपिंग चिक और अपने आप को ऐसा बनाए, कोई आपकी मदद खुद नहीं करेगा, आपने अपनी मदद आप करनी है। आप यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, अपनी फुल एफर्ट दें, हम हाजिर हैं, हम हर चीज में आपको हेल्प करेंगे। कोई मसला होगा, कोई एरर आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन द सेशन। आप उसी वक्त आप मैसेज कर दें हमें चैट में जब हमारा सेशन चल रहा हो, या आप माइक ऑन करके बोले तो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। सो बी अ जंपिंग चिक। उसके बाद हम जब जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, तो जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च हुई 1995 के आसपास, तो जावास्क्रिप्ट को इतने लोग जानते नहीं थे। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जावा से क्या रिलेशन है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है जावा से। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर करनी जरूरी है, जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। तो अगर हम इस चीज को क्लियर करें तो एक एक बहुत फेमस डेवलपर की कोट है कि जावा इज टू जावास्क्रिप्ट एज हैम इज टू हैमस्टर। मतलब ये कि जावा और जावास्क्रिप्ट का रिलेशन ऐसा ही है जैसे एक हैम और हैमस्टर का है। मतलब कि बस स्पेलिंग मिल रहे हैं और इसका आपस में और कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग मैच हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, जावा एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। तो फिर अगर हम बात करें कि ये जावास नाम इसका क्यों पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जब हम जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई और ये डिस्कवर की गई या इसको इन्वेंट किया गया, तो तब जावा का फुल ब्लूम था। तो मे बी इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट के उनकी टीम ने देखा कि अगर जावा का ब्लूम है, हर कोई जावा सीख रहा है, तो हम भी ऐसा करते हैं, इसका नाम उससे मैचिंग रख देते हैं जावास्क्रिप्ट, ताकि लोग ये समझें कि इसका जावा से कोई रिलेशन है, तो हम इसको भी सीखें। और आई थिंक इट वर्क आउट फॉर देम कि हम अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह लेके चलें कि आपने जावास के कॉन्सेप्ट को अगर आपके पास हैं तो वो आपने बिल्कुल एक जगह रखने हैं, और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आपने इन दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना। इसके बाद हम अगर आगे चलें, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स की बात करें तो बहुत आसान है और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर आपको सी लैंग्वेज थोड़ी सी भी आती है, आपने थोड़ी सी भी सीखी है, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर मैं आप कोड खोलूं अपना, यहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स लिख के दिखाऊं, अगर हमने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है तो हम लिखते हैं var var, और उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हमने कोई भी वैल्यू देनी हो वो हम इसको दे देते हैं, और एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है, नेसेसरी नहीं है कि आप इसको लगाएं, आप ना भी लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, कोड आपका सक्सेसफुली कंपाइल होके रन हो जाएगा। जबकि अगर आप सी लैंग्वेज में देखें तो सी लैंग्वेज में आपको ये जरूरी होता था कि आपने सेमी कॉलन लगाना है वरना एरर आ जाता। तो जावास्क्रिप्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है कि आप सेमी कॉलन लगाएं या ना लगाएं, अब ये ऑप्शनल है।
और दूसरी चीज अगर आप देखें तो अगर सी लैंग्वेज से इसको मैं बार बार इसलिए कंपेयर करूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने सी लैंग्वेज पढ़ी होती है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उन्हें इससे इससे आइडिया हो रहा होता है। तो मैं उस बार बार इसलिए उससे कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ कि सी से किस तरह डिफरेंट है और कितनी आसान और कितनी फ्लेक्सिबल है। अगर हम सी की बात करते थे तो सी में अगर हमें कोई इंटीजर इनिशियलाइज करना होता था या डिक्लेयर करना था तो हम इंट लिखते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम और फिर वैल्यू देते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हम var वार लिखते हैं और उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे इवन हम इंटीजर दें या स्ट्रिंग दे दें या कोई बूलियन दे दें, ट्रू फॉल्स दे दें, तो कोई भी वैल्यू दे दें हम यहाँ पे, तो हमारे पास var जो है डायनेमिकली इसको मेमोरी में इनिशियलाइज कर देगा देखते हुए कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। अगर इंटीजर आ रही है तो इंटीजर को उतनी मेमोरी अलॉट कर देगा, अगर स्ट्रिंग आ रही है तो उसी हिसाब से स्ट्रिंग को अलॉट कर देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू वी आर गिविंग टू दैट वेरिएबल, तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबली खुद डायनेमिकली उसको असाइन कर देता है। तो ये चीज सिंटेक्स के लिहाज से बड़ी आसान है और जावास्क्रिप्ट में ये चीज हमें काफी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें वेरिएबल्स के अलावा, अगर हम आगे आए सिंटेक्स में, तो हमारे पास डेटा टाइप्स आते हैं। तो डेटा टाइप्स में यहीं पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो इन दोनों में क्या फर्क है अभी हम वो भी देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं, अगर हम वापस जाएं तो वो हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स आ रही हैं, नंबर आ रहे हैं, स्ट्रिंग आ रहे हैं, बुलियन आ रहे हैं, नल वैल्यू आ रही है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो जो ये सारे जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं इनको अगर हम देखें तो वी कैन नॉट परफॉर्म एनी फर्दर फंक्शन अपॉन देम। वी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते इनको यूज। तो ये आते हैं हमारे बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव में डेटा टाइप्स। अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के पास ऑब्जेक्ट्स हैं और एरेज हैं। ऑब्जेक्ट्स और एरे ऐसी डेटा टाइप्स हैं कि आप इनको इनके अंदर और मेथड्स होते हैं, उनको यूज करके इनमें फर्दर आप फंक्शन फंक्शनैलिटी फर्दर इसमें आप कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह एरेज में हम पुश पॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू देनी है वो दे सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो ये ऐसी चीजें आती है जिसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है और उनके फर्दर आगे मेथड्स बने हुए, फंक्शन बने हुए हैं, तो ऐसी चीजें अगर ऐसे डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट नॉन प्रिमिटिव में रखती है। और बिल्कुल जो बेसिक हैं, बिल्कुल यूनिट डेटा टाइप जिसे हम कह सकें, वो है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू। मैं अगर यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि अगर हम डेटा टाइप्स पे देखें तो ये डायनेमिक हैं, हम यहाँ पे इवन इंटीजर दे दें, यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग दे दें या नल वैल्यू दे दें, तो हमारे पास खुद ब खुद उसकी मेमोरी अलॉट हो जाएगी। वेरिएबल्स की हमने बात की, अब वेरिएबल्स में हम फर्दर देखते हैं कि वेरिएबल्स में हम किस किस कौन कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो हमारे पास दो तीन किस्म के आते हैं। एक तो ऑल स्मॉल, जिस तरह मैंने अभी ये लिखा नेम, और फॉर एग्जांपल माय नेम, और आप अंडरस्कोर दे के देख सकते हैं। आप पे कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वरना आप पे है कि आप जो मर्जी वेरिएबल का नाम दें। लेकिन उसमें एक चीज जो ख्याल रखने वाली है वो ये कि आप हम कभी भी फर्स्ट वेरिएबल नेम का जो करेक्टर है उसे नंबर नहीं दे सकते, तो वो देखें एरर आ जाएगा। तो वो ये नहीं आप कर सकते। हाँ, आप उसके बाद कहीं भी आप नंबर देते हैं वो कोई मसला नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है। इसी तरह आप डॉलर साइन के साथ कर सकते हैं, डॉलर साइन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। डॉलर साइन आप कहीं भी लगा लें, इधर लगा लेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा। तो डॉलर साइन एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर नेम ऐसे कर दें ये एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दें, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं। और अगर हम इनके कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड है वो कैमल केस होता है हमारे पास। जैसे अगर मैंने माय नेम का वेरिएबल बनाना है तो मैं माय ऐसे लिख के फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके बाद स्मॉल लेटर में माय नेम। और अगर आपने कैमल केस के अलावा कैपिटल केस करना है तो आप सबके
पहले लेटर्स को कैपिटल कर दे, तो इस तरह आपके पास एक ये कन्वेंशन भी चल रही होती है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर सबसे फेमस कन्वेंशन है वो यही कि आप कैमल केस करते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल के बाद फिर जो पहले लेटर आ रहे होते हैं वर्ड्स के वो कैपिटल। वेरिएबल्स के बाद अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है हम वो देख लेते हैं। ऑपरेटर्स जिस तरह हमने सी में पढ़े होंगे, हमारे पास वेरिएबल ए अगर हम इक्वल टू बी करते हैं, इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 कर दिया, वेरिएबल बी इक्वल टू 8 कर दिया। उसके बाद अगर हम इसे ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं ए प्लस बी, और जब हम इसको कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास इसको एडिशन करके जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। ये प्रीटी मच एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज दोस वेरिएबल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊं कंसोल तो मेरे पास 13 आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैंने 8 8 प्लस 5 किया था तो मेरे पास 13 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास, मैं यहीं पे करके देखता हूँ, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट चल जाती है। आपके हर ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट अवेलेबल होती है, बिल्ट इन होती है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से कंसोल खोल के कंट्रोल शिफ्ट आई करके कर सकते हो, या आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल खोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, दोज आर प्रीटी मच ऑल द बेसिक्स, आपको आई होप पता ही होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक और ऑपरेटर की बात करूँ, वो है पावर ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 करता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 लिख के डबल स्टार और उसके बाद 2 करूंगा तो देखें मेरे पास आंसर आ गया 25। तो एक ये ऑपरेटर बहुत काम का होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, वो हमारे पास रिमाइंडर दे रहा होता है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आई होप आपने पढ़ा होगा, जब आपने ऑड इवन का फंक्शन बनाया होगा, उसकी लॉजिक बनाई होगी। तो दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि हम इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करके दे रहे होते हैं, और इनको यूज करके हम अपनी कोई भी लॉजिक है, मैथमेटिक्स लॉजिक, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी अगर हम फर्दर टाइप्स पे जाएं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो बेसिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे बेस्ट जो हमारे पास है इक्वल टू है, वो हमने देखा है। इक्वल टू आप उस इक्वल टू से कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और आप उसको इजिली असाइन करके कंसोल लगाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए ये किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें फर्दर, तो इसमें हमारे पास एक और एक शॉर्ट सिंटेक्स की फॉर्म में एक चीज जो हमारे पास आती है, उसे अगर हम देखें तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमने ए इक्वल टू 5 किया हुआ है और बी इक्वल टू 8 किया हुआ है, और मैं यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी कर देता हूँ, तो बेसिकली इसका एक शॉर्ट, ये शॉर्ट सिंटेक्स है। इसका मतलब ये है कि मैं ये कर रहा हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैं ए के अंदर ही वैल्यू और ऐड कर रहा हूँ ए की बी के साथ, मतलब 5 प्लस 8, और उसको मैं अगेन स्टोर कर रहा हूँ ए में। तो मेरे पास अब जो है ए के वेरिएबल के अंदर जब ये कमांड चलेगी तो अब आ जाएगा 13। तो अगर मैं यहाँ पे ए को कंसोल करवाऊँ तो मेरे पास 13 आ गया। तो इस तरह हमारे पास सेम प्रोसीजर होता है माइनस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, इवन पावर के लिए भी है, हम ये कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए होता ही है। तो एक ही ये शॉर्ट सिंटेक्स होता है हमारे पास कि हम इसको अगर उसी वेरिएबल के अंदर हमें कैलकुलेशन करके ऐड करनी है तो हम इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर जो आ जाता है वो होता है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इधर ले आते हैं हम,
यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए इक्वल टू 5 कर दिया, उसके बाद वेरिएबल बी इक्वल टू 6 कर दिया। अब मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि ए और बी इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो अगर मैं ए ग्रेटर देन बी करूँगा तो मेरे पास फॉल्स आ गया, सही है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन बी 6, तो मेरे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे ए लेस देन बी कर सकता हूँ, वो आ गया। डबल इक्वल टू का मतलब है हम इसे चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू दोनों की सेम है कि नहीं। अगर मैं डबल इक्वल टू बी करूंगा तो मेरे पास आ रहा है फॉल्स, ठीक है, 5 और 6 मैच नहीं हो रहे, इस वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह हमारे पास इवन के अगर वेरिएबल सी में कह रहा हूँ स्ट्रिंग है कोई, और उसके बाद मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ए डबल इक्वल टू सी, तो मेरे पास अगेन फॉल्स आ रहा है, ठीक है, वो 5 है और ये स्ट्रिंग में 5 है, तो स्ट्रिंग में है सीध है। अब मैं बात करता हूँ अगर ट्रिपल इक्वल टू की, तो ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है ये टाइप भी चेक करेगा कि टाइप क्या है, वैल्यू तो चेक करेगा लेकिन उसकी टाइप भी चेक करेगा। अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल हूँ, जिस तरह मेरे पास ए 5 था, मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ स्ट्रिंग में 5, और मैं अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डबल इक्वल टू से चेक करूंगा, डबल इक्वल टू से क्या आ रहा है मेरे पास, तो डबल इक्वल टू से मेरे डी का चेक करता हूँ, डबल इक्वल टू से मेरे पास ए डबल इक्वल टू डी ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू चेक किया, उसने 5 देखा है और इसका स्ट्रिंग का 5 देखा है, दोनों 5 5 उसे मैच करके तो उसने ट्रू दे दिया। लेकिन अगर यहीं पे मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा के डी को चेक करूंगा तो वो मुझे फॉल्स देगा। वो अब फॉल्स इसलिए इसने दिया है क्योंकि अब मेरे पास वहां पे उसने डेटा टाइप चेक किया, जब डेटा टाइप चेक किया तो उसके पास एक तरफ इंटीजर मिल रहा है और उससे एक तरफ स्ट्रिंग मिल रहा है, तो मैच नहीं हो रहे दोनों की डेटा टाइप्स, तो इसलिए फॉल्स यूज किया, तो फॉल्स आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम गेट की तरफ जाएंगे तो हम ज्यादातर ट्रिपल इक्वल टू का प्रेफर कर रहे होंगे ताकि हमारे पास डेटा टाइप भी मैच हो रही हो, तब भी हम किसी कंडीशन को ट्रू करें, हम उसके अलावा ट्रू ना करें। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, तो दीज आर सम ऑफ ऑपरेटर्स जो के हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। अगर हम ऑपरेटर्स के अलावा यहाँ पे देखें अनडिफाइंड को और नल को, तो उसका जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये कि अगर मैंने यहाँ पे ए को इनिशियलाइज करवाया, मैं यहाँ पे अगर ए को कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास अनडिफाइंड आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट में हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसकी हम वैल्यू नहीं देते, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर कर देती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ तो अगेन मुझे नल शो कर देगा, नल है। तो अनडिफाइंड और नल आर प्रिटी मच द सेम। यहाँ पे अगर हम इनकी वो बुलियन की बात करें तो ये हमें यहाँ पे फॉल्स देंगे ना, ए भी हमारे पास फॉल्स होगा, और अगर ए अनडिफाइंड है तब भी हमारे पास फॉल्स होगा, और अगर ए हमारे पास नल है तब भी फॉल्स होगा। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए को कोई वैल्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा ए को इनिशियलाइज करवाता हूँ और फिर मैं कंसोल करवाता हूँ ए का, तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास 6 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया था, और सही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं दोबारा से अनडिफाइंड, अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, अब दोबारा अनडिफाइंड आ। तो हम इस तरह अगर हमने दोबारा से ए को इनिशियलाइज करवा दिया है तो हम उसको तो उसकी वैल्यू को हमने क्लियर करना है, तो हम उसे अनडिफाइंड दोबारा दे सकते हैं या हम यहाँ पे नल दे सकते हैं, तो हमारे पास दोबारा से उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी जो उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू थी, और हम उसको शुरू से यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद हम अगर यहीं पे बूलियंस की तरफ आए और उनकी इम्पोर्टेंस की तरफ आए, तो मैं पहले क्लियर कर दूं।
ओके तो बुलियन और उनकी इम्पोर्टेंस की तरफ आए तो सबसे पहले तो हमें कंडीशंस का पता होना चाहिए हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं, और बुलियंस में हमारे पास ट्रू फॉल्स होता है वो हमें पता है। तो सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स जावास्क्रिप्ट किस तरह से परसीव करती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, हम कैसे कैसे किन किन वैल्यूज पे हमें ट्रू मिलता है, किन पे फॉल्स मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन ए लेता हूँ और उसको मैं ट्रू देता हूँ, ऑब्वियसली मुझे ट्रू मिलेगा, और इसी तरह मैं फॉल्स दूंगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए को कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नसीब, एक वैल्यू दे दी मैंने स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ। इफ 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 एल्स चूज करने का तरीका ये, हम इफ लिखते हैं उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कंडीशन आती है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। तो अगर हम मैं यहाँ पे चेक करूँ इफ ए इक्वल टू ट्रू, तो वो यहाँ पे कंसोल करवा दे ए इज ट्रू। अच्छा तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको चला के देखूँ अगेन, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा। ओके सही है, लॉजिकल है क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग के अंदर रिसीव स्टोर हुआ हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे चेक करें कि इफ हैज अ वैल्यू ऑफ ट्रू, तो बुलियन तो नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिंग है, तो उसने कंडीशन को मैच नहीं किया तो इफ नहीं चला। अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा दूं और सिर्फ ये चीज चलाऊं, तो अब मेरे पास रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास आ जाएगा ए इज ट्रू। तो ए इज ट्रू इसलिए है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई और ये चल गया। वो चला इसलिए कि अगर हम सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं तो जो जावास्क्रिप्ट है वो फिर देखती है कि इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी तो वो उसे दे देगा ट्रू, और अगर इसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी या अनडिफाइंड या नल होगा तो इसे फॉल्स दे देगा। मैं यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ और उसके बाद मैं दोबारा चलाऊं तो मेरे पास कंडीशन नहीं चली। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल चलें इसके साथ एल्स भी लगा दिया ताकि हमारा एल्स का भी प्रैक्टिस हो जाए। एल्स कैसे देखते हैं उसे भी हम रिवाइज कर लें। ए इज फॉल्स, एल्स में आ जाए ए इज फॉल्स। अगेन उसने अगर हम इसको चलाएं तो देखें ए इज फॉल्स आया, तो उसने एल्स की कंडीशन चलाई। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे अनडिफाइंड था क्योंकि मैंने डिक्लेयर उसकी डिक्लेयर तो किया, वैल्यू वैल्यू नहीं दी वेरिएबल को, तो उसने डिफॉल्ट में अनडिफाइंड स्टोर करती है। जब भी अनडिफाइंड वेरिएबल में होता है तो वो हमेशा फॉल्स कंसिडर करती है जावास्क्रिप्ट। इसी तरह अगर वेरिएबल के अंदर नल है तब भी जावास्क्रिप्ट उसे फॉल्स कंसिडर करेगी। तो मैं अगर दोबारा रिफ्रेश करके चलाऊँ ए इज फॉल्स, दोबारा फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट वाली है कि अगर आपके पास नल या अनडिफाइंड है वेरिएबल का और आप उसे ऐसे लिखोगे कंडीशन चेक करने के लिए कि उसमें कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उस वेरिएबल में तो हमारे पास हमेशा अगर नल है तो फॉल्स आएगा, और अगर उसके अलावा कोई भी इंटीजर है या स्ट्रिंग है ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो हमेशा वो ट्रू दे देगा। अच्छा अब एरे और ऑब्जेक्ट का क्या सीन है अगर हम वो देखें, तो अगर हम इसको दोबारा सेव करें, मेरे पास एम्प्टी एरे है और अब मैं चला के देखूं तो मेरे पास ए इज ट्रू है। अगेन उसके पास उसने देखा है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिक्लेरेशन हुई हुई है, एक एरे की डिक्लेरेशन हुई है। इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट दे के देखूँ खाली ऑब्जेक्ट को तो मेरे पास ए इज ट्रू, अगेन ए इज ट्रू क्योंकि कुछ ना कुछ डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर, है कुछ ना कुछ। तो हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं तो उनका मेन मकसद ये होता है कि हमने जब कंडीशनल रेंडरिंग करनी होगी तो हमें सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी होगी, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर उसके अंदर कोई चीज है तो हम उसको कर दें ट्रू में आ जाए, अगर कुछ नहीं है तो फॉल्स में आ जाए। इसी को अगर हम फर्दर जब ES6 का कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो हमारे पास एक और चीज आती है। एक मिनट में पहले एग्जाम्पल बना लूँगी, एग्जाम्पल वो हम लेके चलते हैं।
टर्नरी ऑपरेटर्स की आती है। टर्नरी ऑपरेटर्स रिएक्ट में बहुत यूज होते हैं, उनका सिंटेक्स अगर सी में सी जैसा ही है। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन जो भी हमें चेक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो कमांड लिखेंगे जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली कंसोल ये करा देगा। उसके बाद हम लगाते हैं एक कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जो हम कमांड लिखेंगे वो तब चलती है अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, मैच नहीं होती। तो ये हमारे पास एक किस्म का एक शॉर्ट सा सिंटेक्स बन गया इफ एल्स का। इफ एल्स को शॉर्ट करके हम टर्नरी पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज लेस देन बी। और अब इसको अगर मैं दोबारा चलाऊं तो मेरे पास आ जाएगा ए इज लेस देन बी, बिल्कुल ठीक आया। कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे ही फॉल्स हुई तो कॉलोन के बाद वाली कमांड चल गई। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए इज लेस देन बी तो अब मेरे पास ट्रू वाली चल जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक हो गया। और मैंने कंसोल उल्टा करा दिया। ओके यहाँ पे आ जाएगा लेस और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर, सही हो गया। तो अब ए इज लेस देन बी। तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स को सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे जब हम रिएक्ट में काम कर रहे होंगे, रिएक्ट के अंदर जब हम उसकी यूआई में काम कर रहे होंगे, उसको डायनेमिक बनानी होगी, तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स ज्यादा यूज हो रहे होंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स को अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें तो मैं पहले इफ एल्स के साथ में एल्स इफ को भी यहाँ पे अगर बना लूँ तो मेरे पास अब दो कंडीशंस आ गई हैं और एक एल्स भी आ गया, तो मेरे पास अब तीन हो गए हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये इफ वाली चल जाएगी, अगर वो नहीं है तो एक और मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, जितनी मर्जी मैं चाहूँ उतनी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए लेस देन बी, अगर ये है तो ये यहाँ पे एल्स इफ वाला चल जाएगा, अगर दोनों नहीं है तो मेरे पास एल्स चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे मैं कंसोल करवा लेता हूँ ए लेस देन बी, यहाँ पे मैं कंसोल करवा लेता हूँ ए इक्वल टू बी। यही चीज अगर मैं अभी पहले इसको चला के हम देख लेते हैं तो हमारे पास ए लेस देन बी आ गया, बिल्कुल ठीक आया। उसके बाद अगर हम इसी चीज को रेप्लीकेट करना चाहें टर्नरी ऑपरेटर्स में तो हम कैसे करते हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, हमारे पास था ए इज लेस देन बी। ओके इसको वापस ए इज लेस देन बी ही रखते हैं। ए इज लेस देन बी था तो हमारे पास ये कंडीशन चल रही थी, ठीक है। अगर ए इज लेस देन बी नहीं है तो हमारे पास क्या चले, हमारे पास कॉलन लगा के हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी, और अगेन उसको क्वेश्चन मार्क लगा के मैं चेक कर सकता हूँ अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू है तो मेरे पास कंसोल हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ए ग्रेटर देन बी भी फॉल्स हो रहा है तो हमारे पास कॉलन लगा के अगेन फॉल्स वाली हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, देन ऑब्वियसली ए इक्वल टू बी है। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो मेरे पास ए इज लेस देन बी आ गया, तो उसने ये वाली कमांड चलाई। इसी तरह अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करता हूँ, ए और बी की वैल्यू चेंज करता हूँ, सेम करता हूँ, तो मेरे पास ए इक्वल टू बी आ जाना चाहिए, तो बस ए इक्वल टू बी आ। तो टर्नरी ऑपरेटर्स में हम इस तरह जितना हम चाहें इसको नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, और एल्स इफ जितना मर्जी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। बूलियंस का और कंडीशनल्स का यहाँ ये टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें लूप्स की, तो लूप्स में हमें सबसे पहले नजर आ रहा होता है, अगर हमने सी में भी पढ़ा होता है तो सी में भी हमें सबसे पहला लूप जो मिल रहा होता है वो वाइल लूप होता है। तो वाइल लूप को अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल आई इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज करवाया,
उसके बाद इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि हम वाइल लिखते हैं, कॉमन ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, जो भी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन 10, ये कंडीशन मैंने लिख दी। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये वाइल का लूप चलेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फौरन वाइल के लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, लूप का अगर जिसको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट भूला हुआ है, तो लूप किस लिए होते हैं प्रोग्रामिंग में? लूप होते हैं आइटरेशन के लिए। आपको एक चीज बार बार परफॉर्म करनी है, उसमें कोई चेंजेस करके दोबारा से उसे रन करवाना है, दोबारा से एग्जीक्यूट करवाना है। जितनी दफा करवाना है आप उतनी दफा करवा सकते हो कंडीशन लगा के। तो आपके लिए लूप्स ये आसानी प्रोवाइड करते हैं कि आप से उसको यूज करके ट्रेवर्स कर सकते हो किसी चीज को, और किसी चीज को आइटरेशन में शो करवा सकते हो, या कोई चीज आइटरेशन में कैलकुलेशन करवा सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे व्हाइल लूप को कंसोल करवाऊँ, यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने आई लिख दिया, अब मैं इसको अगर चलाऊं तो होप मुझे जो लग रहा है वो, हाँ अटक गया। आप देखें यहाँ पे व्हाइल लूप चलता जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू ही रह रही है, फॉल्स हो ही नहीं रही। और आई 0 है, आई हमेशा 0 लेस देन 10 होगा, वो हमेशा रहेगा। तो अगर हम इसको बंद करें, दोबारा इसको खोलते हैं, लेकिन पहले हम अपनी जो बग है इसमें वो फिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पे अगर आई प्लस प्लस कर दूं, ताकि आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूं, और उसके बाद मैं दोबारा चलाऊं, तो मेरे पास अब सक्सेसफुली चल गया। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल देखूंगा तो मेरे पास 0 to 9 काउंटिंग आ गई। तो व्हाइल लूप के में हमें ये इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम कभी कहीं इनफिनिट लूप में ना फंस जाएं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले करके दिखाया कि इनफिनिट लूप में फंस गया था। कंडीशन कहीं हम कोई ऐसी कंडीशन ना लगा दें कि जो हमेशा ही ट्रू रहे, फॉल्स हो ही ना, तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम फंस जाएगा, आपकी कोडिंग वहीं पे आके अटक जाएगी और आपका प्रोग्राम आगे चल नहीं पाएगा, उसी लूप में फिरता रहेगा। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होता है व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप को अगर हम आगे देखें तो हमारे पास इसके बाद हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं लूप में। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहूँ, ब्रेक का मकसद ये होता है कि अगर आपको लूप के दौरान ही उसे ब्रेक कराना है, उस मतलब उससे बाहर आना है लूप से, आपने आगे फर्दर आइटरेशन नहीं करवाना चाह रहे आप, अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी ट्रू हो गई है, आपको कोई चीज मिल गई है, तो आप चाह रहे हो कि अननेसेसरी आइटरेशन ना हो, आगे फर्दर ना जाए, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। ब्रेक क्या करता है, अगर ब्रेक उस लूप से बाहर ले आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी इफ की, इफ आई इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू उसे लूप में जब चल रहा होगा जैसे ही 5 मिलेगी तो क्या करेगा, ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करेगा तो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर हम अब चला के देखें तो मेरे पास सिर्फ 5 तक आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो 5 तक हर लूप में उसने कंडीशन देखी, चेक की, तो उससे कंडीशन फॉल्स मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आई इक्वल टू 5 हुआ और उसके बाद जब उसने कंडीशन चेक की उसको ट्रू मिला, और उसके बाद वो ब्रेक हो गया, वो व्हाइल लूप से बाहर आ गया। तो इस तरह वो आगे चला ही नहीं, वो आगे गया ही नहीं, और इस वजह से हमें 5 से आगे काउंटिंग नहीं देखने को मिली। ब्रेक के बाद नेक्स्ट लूप अगर हम आए वापस लूप की तरफ, तो नेक्स्ट लूप हमें मिलता है फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटेक्स पहले हम देख लेते हैं। हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद हम एक वेरिएबल अगेन जो कि आइट्रेशन के लिए यूज होता है, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया उसे, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा। अगेन मैं वही सेम कंडीशन रखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद में जितना इंक्रीमेंट करवाना है वो सब चीजें मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये फॉर लूप अगर देखें तो ये थोड़ा सिंटेक्स के लिहाज से कॉम्पैक्ट है। हम सब चीजें एक ही जगह लिख रहे हैं ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े या और लाइंस में ना आए। तो फॉर लूप भी कंडीशंस को चेक करेगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा, जैसे ही उसे अपनी कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं अब चलाऊं, अगेन 0 to 9 मिल रहे हैं, और अब मैं अगेन यहाँ पे भी ब्रेक यूज हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं
और अब मैं चलाऊं तो वो 0 पे ही ब्रेक होके आ गया, क्योंकि उससे पहले लूप में ही ब्रेक मिल गया और वो एक ही दफा चला और ब्रेक से बाहर आ गया, उसने आगे चलने ही नहीं दिया। तो हमारे पास एक लूप ये भी होता है फॉर लूप। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप ये तो हमारे पास सबसे बेसिक जो लूप्स हैं उनमें आते हैं, तो हम इनको आगे जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे पास फॉर लूप ज्यादा यूज हो रहा होगा। व्हाइल लूप इतना हम प्रेफर नहीं कर रहे होते आगे जाके, या तो हम फॉर लूप पे चल रहे होते हैं या फिर अभी जो मैं एक और लूप पढ़ाने जा रहा हूँ उसको यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करें और उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। हमने अभी तक एरे की बात नहीं की, तो हम थोड़ा एरे की बात कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने एक एरे बनाया। अगर मैं इसको अगेन सी के कॉन्सेप्ट से करूँ, सी के सिंटेक्स से कंपेयर करूँ, तो मैं क्या वहां पे क्या करता था, सी में मुझे यहाँ पे बताना पड़ता था कि मुझे कितने मेमोरी साइज चाहिए एरे का। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 चाहिए, 10 इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लिखता था और तब जाके इनिशियलाइज होता था। या आप यहाँ पे नहीं लिखते तो आपको यहाँ पे उतनी वैल्यूज देनी पड़ती थी, इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती थी ताकि आपको उतने मेमोरी साइज मिल सके। तो वो डायनेमिक नहीं था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज कम्प्लीटली डायनेमिक है। आपने जितना मर्जी एरे को बड़ा करना आप कर सकते हो, डायनेमिकली उसमें और चीजें आगे जाके स्टोर करवा सकते हो। तो जितना आपका एरे बड़ा हो सकता है वो हो जाएगा, आपको कोई मसला नहीं है। तो और यहाँ पे भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और एक और चीज जो है ये कि उसमें हम डायनेमिकली डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। आपके पास इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ इंटीजर का एरे बनाना है, सिर्फ स्ट्रिंग का एरे बनाना है। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो, इवन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप्स को यूज कर सकते हो आप इसमें। मैं यहाँ पे अभी अगर सिर्फ सिंपल सा रखूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 और पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया हसीब, के बाद मैं एक इंटीजर स्टोर करवाता हूँ अपनी एज, और उसके बाद मैं दोबारा एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ अपना लास्ट फर्स्ट में, ये कर दिया। तो अगर मैं अब इसे कंसोल करवाऊँ ARR को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक एरे कंसोल हो के आ गया और उसमें पहले इंडेक्स पे हसीब मिल गया मुझे, दूसरे इंडेक्स पे इंटीजर मिल गया, तीसरे पे अब्दुल मिल गया, बिल्कुल ठीक हुआ। और इसको एक्सपेंड करके भी आप ऐसे ले सकते हैं। और अब मैं अगर लूप की बात करूं, मैं सबसे पहले फॉर लूप से ही इसको लेके चलता हूं। अगर मुझे लूप के थ्रू इस एरे को ट्रेवर्स करना है, इस लूप के थ्रू इस एरे की एक एक वैल्यू को मुझे अलग अलग कंसोल करवाना है। अभी तो मैंने पूरा एक एरे एक साथ कंसोल करवा दिया, अगर मुझे एक एक वैल्यू अलग अलग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, मैं यहाँ पे लूप तो चला रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लूप की क्या कंडीशन लगाऊंगा। ऑब्वियसली मैं तब तक लूप चलाना चाह रहा हूँ जितना इस एरे की लेंथ है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई तब तक चले जब तक मेरे पास इस ARR, अगर मैं डॉट लगाऊं तो मेरे पास एरे के डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। जो कि यहाँ पे एक और चीज जो आपको क्लियर होगी वो ये कि अब आपको पता लग गया ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप इसको डॉट लगा के देखोगे, आपको बहुत सारे इसके और मेथड्स मिलेंगे जो आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। जबकि अगर आप कोई इंटीजर बनाओगे, स्ट्रिंग बनाओगे, आप डॉट लगाओगे, आपको इसके साथ कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी जो कि आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के साथ आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्केट वगैरह, लेकिन आपको इसके साथ नहीं मिलेंगे। तो इंटीजर के साथ अगर मैं लेंथ करूं, तो लेंथ क्या करता है, वो इस एरे के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी लेंथ बता देता है। इस एरे की लेंथ जो भी होगी वो बता देगा। और ये लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 और ये 3। अब मैं अगर फॉर लूप चलाऊं और मैं कंसोल करवाना चाहूं एक एक एरे की वैल्यू, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ARR लिखूंगा। और अगर सी लैंग्वेज में आपने एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस किया होगा तो आपको पता होगा, हम यहाँ पे भी सिंटेक्स सेम है, हम स्क्वेयर ब्रैकेट लगा के उसके बाद हम जो भी इंडेक्स देंगे वो वाला इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास एरे की वैल्यू आ जाएगी, कंसोल हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी सबको करवाना है और मुझे पता है मैं लूप में चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। तो मेरे पास
हर दफा डिफरेंट एरे के इंडेक्स उठ के आएगा और वो कंसोल हो जाएगा। पहले जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा आई, उसके बाद आई वन हो जाएगा यहाँ पे, तो एरे की वन इंडेक्स पे जो होगा वो आ जाएगा, तीसरा टू इंडेक्स पे जो होगा वो आ जाएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक एक इंडेक्स अलग अलग कंसोल होके आ गए। तो इस तरह हम एरे को कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा एरे होगा। तो इवन हमें उस एरे की लेंथ पता भी नहीं होगी तो हम ये लिख देंगे तो ये इनफ है, आप वो खुद ब खुद ही रन टाइम पे उस एरे की लेंथ निकाल के तो कंडीशन में लगा देगा और उसको लूप को उतनी बार चला देगा। तो ये हमारे पास आसानी हो जाती है इस तरह। अब मैं ये फॉर लूप से हट के अगर मैं एक और लूप के थ्रू करवाना चाहूँ, तो एक और लूप जो होता है हमारे पास वो होता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स पहले हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले एरे का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम डॉट लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फॉर ईच, और उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास एक एरो फंक्शन आ रहा होता है। एरो फंक्शन हम आगे देखेंगे, इसको अभी हम समझ लेते हैं कि करता क्या है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ एलिमेंट। जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने एलिमेंट ही देना है, कोई भी आप नाम दे दें वेरिएबल का तो वो हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं। अब मैं अगर दोबारा जाके देखूँ मुझे सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। तो उसने क्या किया है कि फॉर ईच का लूप जो होता है आपका एक एक इंडेक्स उठा के लाता है, उसे एलिमेंट के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता है, और फिर हम उसके अंदर यहाँ पे जाके ये जो भी हम उसको उससे टास्क परफॉर्म करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे कैसे एक्सेस कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया उसके बाद आई के थ्रू हम कर रहे थे। यहाँ पे अब हमारे पास सिंटेक्स चेंज हो गया है, यहाँ पे अब हम क्या कर, फॉर ईच लूप एक एक इंडेक्स को उठा के ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल हसीब स्ट्रिंग था, उसने हसीब स्ट्रिंग को एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, उसके बाद फिर उसके अंदर जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करने को बोला था उसने करवा दिया। उसके बाद अगले इंडेक्स पे आएगा, 22 मिलेगा उसे, 22 यहाँ पे स्टोर करेगा और उसको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा हो जाएगा। अब्दुल को भी इसी तरह एलिमेंट में स्टोर करके फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह फॉर ईच लूप में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कब तक चले, वो खुद ब खुद उसे बिल्ट इन पता है कि मुझे तब तक चलना है जब तक मेरे पास एरे की लेंथ पूरी नहीं हो जाती, एरे के सारे इंडेक्स को मैं एक एक बार ट्रेवर्स नहीं कर लेता। तो उसे पता है कि मुझे सारे इंडेक्स एक एक बार ट्रेवर्स करना है, तो वो चलता रहेगा तब तक जब तक एरे के इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, भले वो स्टैटिक करते हो या डायनेमिकली करते हो, वो फॉरेस्ट लूप खुद ब खुद देख लेता है। तो ये जो सिंटेक्स है और ये वाला जो लूप है, ये मैं जो इसका सिंटेक्स है वो अभी शायद आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, समझ ना आ रहा हो तो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ये चीज अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ कि ये है क्या चीज। तो अभी अगर लूप की बात करें तो लूप में आपको ये चीज रिएक्ट जेएस में काफी मिलेगी, हम इसको यूज करेंगे तो इसलिए लूप में जो रिएक्ट में हम सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे होंगे दो लूप्स, वो एक फॉर ईच होगा और एक मैप होगा। मैप को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पॉज कर रहे हैं अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए, जब हम रिएक्ट पे आ जाएंगे तो हम मैप को भी देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं एक छोटा सा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग्स के अंदर, वो होता है वेरिएबल्स इन स्ट्रिंग। मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने नेम का, फुल नेम का, फुल नेम, और उसमें मैंने अभी सिर्फ अब्दुल स्टोर किया, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं एज करना, एज का वेरिएबल बनाता हूँ एज, वहां पे मैंने 22 स्टोर कर दिया इंटीजर। अब अगर मैं इसको कंसोल करवा के देखना चाहूं तो मैं फुल नेम लिखूंगा
और मुझे कॉनकैट भी करवाना है एज को साथ, तो मैं प्लस का इंटीजर लगा के एज का लिखूंगा तो मेरे पास कॉनकैट हो जाएगा, जो भी होगा स्ट्रिंग के साथ ये इंटीजर को कॉनकैट कर देगा और हमें शो करवा देगा। तो अगर मैं वापस जाऊँ रिफ्रेश करूँ तो Abdul22 आ गया, सही है। तो उसने अब्दुल फुल नेम से अब्दुल लिया और उसको कॉनकैट करवा दिया एज के साथ, तो हम प्लस साइन के थ्रू कॉनकैट भी करवा सकते हैं। अब अगर एक और चीज मैं देखना चाहूँ, अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी बार एक ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ता है डायनेमिकली वेरिएबल की वैल्यू देनी पड़ती है जो कि चेंज हो रही होगी, तो हमें नहीं पता होगा कि उस वक्त उस स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू क्या होगी, लेकिन हम उसे डायनेमिकली रेंडर करवाना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं जो कि चेंज भी हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी चेंज होके। उसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है वो होता है टिक का, एक जो हमारे पास एक सिंबल होता है उसे हम टिक कहते हैं। आपका अगर जो नमेरिक कीपैड होता है अल्फाबेटिक कीपैड के ऊपर, जो आपके पास नमेरिक कीपैड की लाइन है, आप वन से पीछे देखेंगे तो आपके पास एक बटन होगा, उसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टिक आ जाएंगे। तो ये अगर आप दो बार प्रेस करें तो आपके पास एक सिंगल कोटेशन, एक इटैलिक फॉर्म में सिंगल कोटेशन आ जाती है। इसके अंदर अगर मैं लिखूं माई नेम इज अब्दुल असीफ और मैं इसे सेव करवा के इसे कंसोल करवाया, तो अगर मैं अब ये चलाऊं ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करेगा। आपका जिस तरह डबल कोटेशन वर्क कर रहे होते हैं या सिंगल कोटेशन वर्क कर रहे होते हैं, इसी तरह बिल्कुल सिमिलर करेगा। लेकिन इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आपको अभी आपको सेंटेंस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जिस तरह अब मैं लिख रहा हूँ माई एज इज, एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे 22 लिख दूँ और मैं करवा दूँ तो माई एज 22 आ गई, लेकिन ये तो स्टैटिक है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक ना हो, जो भी इनपुट जो भी वेरिएबल की वैल्यू उस हिसाब से यहाँ पे एज आए, तो मैं क्या करूंगा, एक डॉलर साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एज लिख दूंगा। अब मैं अगर करवाऊंगा तो मेरे पास अगेन 22 आएगा, लेकिन अब इसका फायदा ये, अब मैं यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर दूं एज की, तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी चेंज हो जाएगी, वहां पे भी 23 आ गया। तो ये फायदा होता है इस टिक वाली कोटेशंस का कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू दे के डायनामिकली शो करवा सकते हैं। अब इसी चीज को मैं एक बार लूप से भी करके दिखा दूं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने एक फॉर का लूप बना दिया, 10 तक चल रहे हो। यहाँ पे मैं ये जो कंसोल है ये इसको मैं इधर ले जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे एज की जगह में यहाँ पे आई दे देता हूँ, आई की जो भी वैल्यू होगी उस लूप में वो आ जाए। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो मेरे पास हर बार वो लूप चल रहा है, आई की वैल्यू अपडेट हो रही है तो कंसोल लॉग के अंदर एज भी अपडेट हो रही है, आई भी अपडेट हो रहा है वो उस हिसाब से करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी रिएक्ट में यूज कभी कभार करना पड़ जाता है, बल्कि ऑफन करना पड़ जाता है। तो इस चीज को भी हमने यहाँ पे देख लिया, एक बार क्लियर कर लिया। अब मैं थोड़ा सा आ जाऊंगा फंक्शंस की तरफ, फंक्शंस को रिवाइज कर लेंगे, हम फंक्शंस कैसे बनाते थे और उनसे क्या होता था। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं ताकि हमारे पास ऊपर HTML भी आ जाए। ओके, फंक्शंस हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं? फंक्शंस आपने सी में भी पढ़े होंगे और प्रीटी मच सिमिलर सिंटेक्स होता है, बस फर्क ये है कि वहां पे हम सी लैंग्वेज में हम इसकी रिटर्न टाइप भी बता रहे होते हैं। यहाँ पे नेम से पहले उसकी वॉइड या इंटीजर या जो भी है रिटर्न टाइप वो बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम रिटर्न टाइप नहीं बताते। जावास्क्रिप्ट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप भले रिटर्न लिखो या ना लिखो, वो आपको कोई एरर नहीं देगा और आपके रिटर्न टाइप पे वो डायनेमिकली देख लेगा अगर आपने कोई रिटर्न दिया है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल वो कोई एरे है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई
कोई भी ऐप बूलियन है तो वो खुद ब खुद उसको उस हिसाब से रिटर्न कर देगा। आपको स्पेसिफाई करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने यही चीज रिटर्न करवानी है, इसके अलावा वो कोई चीज रिटर्न नहीं होगी कोई ऑर्डर टाइप। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सिबल आ जाती है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट नेम, एक ऐसा फंक्शन जो मेरा नाम प्रिंट करवाएगा। अच्छा, इसका सिंटेक्स में जो कर्ली राउंड ब्रैकेट होते हैं, सॉरी, तो इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं जो कि उसको अभी हम देखेंगे। तो अभी मैं सिंपल एक कंसोल करवा रहा हूँ ना, और यहाँ पे पहले मैं सिर्फ फंक्शन को चला, कुछ नहीं चला। वो इसलिए कि हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, इसे हमने कॉल नहीं करवाया कभी अभी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे कॉल भी करवा लेंगे, प्रिंट नेम, उसको राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करवा लेंगे। अब जब हम देखेंगे इसको चलाएंगे तो हमारे पास वो फंक्शन चला, उस फंक्शन के अंदर जो भी कमांड थी वो चली और वो कंसोल हो गया। एक और चीज आपने देखी होगी कि हम यहाँ पे कॉल पहले करवा रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन बाद में हो रहा है। अगर हम ये चीज सी में ऐसे करते तो सी ने एरर दे देना था कि मुझे प्रिंट नेम का फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। वो इसलिए कि वो चल रही होती है, उसकी टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही होती है। वो टॉप से बॉटम पे आ रहा होता है, उसे जो चीज मिल रही होती है उसके हिसाब से वो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये चीज नहीं है। आप भले इसको यहाँ पे रखो तब भी चल जाएगा, तब भी चल गया, और इवन इसको यहाँ पे कर दो, कहीं भी आप इसको कॉल करवाना चाहोगे आप, ये चल जाएगा। इसका जावास्क्रिप्ट ये बिल्कुल नहीं, इसका एरर कभी नहीं देगी। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू ले आर्गुमेंट में तो, और उसको फिर हम आगे यूज कर सकें, तो हम वो कैसे करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम हमने लिख लिया। तो ये अब क्या करेगा, ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब जब हम इसे कॉल करवा रहे होंगे तो हम कॉल करवाते हुए यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया अब्दुल नसीब। तो अब क्या होगा, अब ये जब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये पैरामीटर है ये अब्दुल हसीब का स्ट्रिंग का, ये जाके स्टोर हो जाएगा नेम में। और जब नेम में स्टोर हो जाएगा फिर हम इसको यूज कर सकते हैं अपने पूरे फंक्शन में इस आर्ग्यूमेंट को। तो जैसे मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे नेम लिख दिया, मैं टू कर देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए डिफरेंस। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो मेरे पास अब्दुल हसीब टू आ गया, क्योंकि ये जो चीज है वो जाके जैसे ही कॉल हुआ ब्रांड नेम का फंक्शन, तो नेम के अंदर स्टोर हो गया और उसको हमने यूज कर लिया। इसी तरह हम चाहें तो जितने मर्जी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और उनको हम यहाँ पे फंक्शन में कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने एज का कर लिया और मैं यहाँ पे एज को भी करवाना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास अब्दुल हसीब 2 और 23 मेरी एज जो थी वो उसने कंसोल करवा दी। तो यहाँ पे हम जितने आर्गुमेंट देना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। ये जो सिंटेक्स है फंक्शन वाला, ये वेनिला जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। उसके बाद जब हमारे पास ES6 का जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स आए और नई फंक्शनैलिटीज आए, नए सिंटेक्स आया, उसको हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको हम कैसे फंक्शन बना रहे होते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स है हम पहले वो देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे, अच्छा से पहले हम लेट और कॉन्स्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब फंक्शन बनाएंगे तो हम कॉन्स्ट और लेट को यूज कर रहे होंगे। अभी हमने जब तक पढ़ा था तो हमने वेरिएबल पढ़ा था, वार पढ़ा था, उसी से हम डिक्लेयर कर रहे थे कोई भी वेरिएबल को। जब ES6 का आई हमारे पास, तो हमारे पास लेट और कॉन्स्ट उससे पहले ही आ चुकी थी। ES5 में ही लेट और कॉन्स्ट के कॉन्सेप्ट आ चुका था। लेट और कॉन्स्ट क्या होता है हम वो देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये भी डिक्लेरेशन के लिए होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन डिक्लेयर करने। तो मैंने लेट का एक बनाया है, लेट लिखा है, और उसके बाद मैंने वेरिएबल लिखा ए और उसे मैंने कोई वैल्यू दे दी। उसके बाद मैं इसे कंसोल करवाऊंगा ए,
मेरे पास फिक्स आ जाएगा, ठीक है, फिक्स आ गया। बिल्कुल वेब की तरह, वीआर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई वो डिफरेंस नहीं है। इवन मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 7, अब क्या होगा, पहले 6 था, यहाँ पे जाके अपडेट होगी और अब मैं जब कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी ठीक है, बिल्कुल भी वीआर की तरह काम कर रहा है। तो आप लेट और वीआर को इंटरचेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपने लेट यूज करना है आप लेट यूज कर लो, वॉर यूज करना है वॉर यूज कर लो। अब मैं आता हूँ कॉन्स्ट की तरफ। अगर मैं कॉन्स्ट की तरफ आऊँ तो कॉन्स्ट का नेम सुन के ही आपको पता लग रहा होगा, शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू हम हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ पे अभी चलाऊं तो मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ ए की वैल्यू। ए हमारे पास कॉन्स्ट है, ये याद रखें। अब अगर मैं चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। हमारे पास एरर क्या आ रहा है, असाइनमेंट टू अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा चेंज करने को। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो लेट और कॉन्स्ट का, जो ये 6 में आया, जो कि हम अभी जब फंक्शन बनाएंगे तो हम देख रहे होंगे। तो ये सब हम यूज कर रहे होते हैं, हमने काफी बार कोई ऐसे वेरिएबल बनाने होते हैं जिनकी सॉरी जिनकी वैल्यू हम चाह के भी सॉरी हम जिनकी वैल्यू को हम चाहते हैं कि हम गलती से भी उसको कहीं चेंज ना कर दें। अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास फौरन एरर आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज को, तो ऐसे फंक्शंस को भी इवन, तो ऐसे फंक्शंस को हम वैल्यूज और वेरिएबल और फंक्शंस को हम कॉन्स्ट करते हैं, ताकि हमारे पास अगर इन केस हम गलती से भूल के भी उनको चेंज कर दें, उन्हें कोई और वैल्यू असाइन कर दें, तो हमारे पास फौरन एरर आ जाएगा और चलेगा नहीं। अच्छा, अब लेट और कॉन्स्ट को हमने देख लिया, ये चीज हम आगे यूज कर रहे होंगे रिएक्ट में, बहुत आपको इससे फेमिलियरिटी हो जाएगी आसानी से। अब मैं आता हूँ ES6 के एरो फंक्शन की तरफ, जो कि नया सिंटेक्स है जो कि यूज हो रहा होता है रिएक्ट में। तो सबसे पहले हम अगेन कॉन्स्ट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर हमने उस फंक्शन को स्टोर करवाना होता है, तो वो बेसिकली उस फंक्शन का नाम ही हो जाएगा एक किस्म का। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट नेम, इसके अंदर मैं फंक्शन को स्टोर करवाऊंगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊं, वो जिस तरह मैंने बताया एरो फंक्शन है इसका नाम, तो हम एक एरो बनाएंगे ऐसे करके, इक्वल टू और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। एरो बनाया, उसके बाद हम अगेन जिस तरह हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह जो ये वाला जो सिंटेक्स है, अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉन्स्ट लिखते हैं हम सबसे पहले फंक्शन बनाते हुए ES6 में, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम जो भी हमने देना होता है जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन स्टोर हो रहा होता है, तो मैंने फॉर एग्जांपल वो फंक्शन का नाम भी वही होता है, तो मैंने प्रिंट नेम दे दिया। उसके बाद इक्वल टू लगाया, बिल्कुल इसी तरह। इस तरह हम असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो हम इसको असाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, तो हमने उस फंक्शन को इसको असाइन किया इक्वल टू लगा के। अब वो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन को अगेन राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे आर्गुमेंट वगैरह जो भी हम ले रहे होंगे, और उसके बाद हम एरो एरो लगाते हैं। एरो हमारे पास क्या कर रहा होता है, एरो बता रहा होता है कि हम रिटर्न करवा रहे हैं कोई चीज, तो यहाँ पे हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब्दुल असीब लिखा है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे प्रिंट नेम को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास अब्दुल हसीब आ गया लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारा वो फंक्शन चल गया ES6 के सिंटेक्स के थ्रू। इसी तरह मैं आर्गुमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे अब्दुल हसीब दे सकता हूँ, और वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसको मैं यूज कर सकता हूँ अपने थ्रू आउट फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे नेम दे दिया, और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास आर्गुमेंट वाला ES6 का फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज जो क्लियर करना चाहूंगा वो ये कि जब हम कॉन्स्ट में कर रहे होंगे यहाँ पे, तो अभी क्योंकि हम सिंपल HTML में काम कर रहे हैं, रिएक्ट में काम नहीं कर रहे, तो अगर आप इस प्रिंट नेम को पर चलाना चाहोगे यहाँ पे, तो ये एरर दे देगा, नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये आप इसे एज अ वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, तो
तो जब हम वेरिएबल कंसिडर कर रहे होते हैं तो हमें पता है हमें वेरिएबल को सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो यही चीज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब अगर हमने डिक्लेयर बाद में किया है, उसको यूज पहले कर रहे हैं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो हमारे पास एरर आ गए, वह क्या आएगा, कैन नॉट एक्सेस प्रिंट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसने खुद बता दिया कि इनिशियलाइजेशन उसकी बाद में हुई है, इसलिए उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उसको बाद में ही करेंगे। ये सब अभी वेनिला जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के अंदर है। जब हम रिएक्ट जेएस के अंदर क्लास फंक्शन में आ जाएंगे तो वहां पे ये चीज डिफरेंट हो जाती है। तो अगेन अगर मैं दोबारा चलाऊं तो मेरे पास आ गया। तो ये जो ESX का फंक्शन है, ये आपको बहुत बार इसकी देखने को मिलेगा। इस पे ही हम काम कर रहे होंगे रिएक्ट जेएस में जब हम आगे जाएंगे, तो हम इससे जितना जल्दी फेमिलियर हो जाएं उतना अच्छा है। इसको मैं अगेन अगर रिवाइज कर दूं ताकि बार बार आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम इसे करते कैसे हैं। कॉन्स्ट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि फंक्शन का नाम भी होगा हमारा, जिसके अंदर हम फंक्शन को स्टोर करवा रहे होंगे, असाइन करवा रहे होंगे, इसलिए हमने इक्वल टू लगाया। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, अगर हमने उसके अंदर कोई आर्गूमेंट देना है तो हम देंगे, उसका वेरिएबल का नाम दे दें कोई, वरना हम उसे खाली रख सकते हैं। उसके बाद हम एरो फंक्शन है तो एरो बनाएंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट सेम एज बिफोर। ये हमारे पास एक शॉर्ट भी है इस तरीके से कि हम यहाँ पे, मैं इसको अगर शॉर्ट करना चाहूँ, सिर्फ एक कमांड है मेरे पास अभी कंसोल की, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं जरूरी नहीं है कि मैं मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा पूरा फंक्शन एक लाइन के अंदर आ गया। अब मैं अगर इसे दोबारा चलाऊं, या पैरामीटर नहीं दे रहा, अब अगर इसे मैं दोबारा चलाऊं तो बिल्कुल सक्सेसफुली चल जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि ये चीज़ ये रिटर्न कर रही है, और हमने रिटर्न में ये दिया हुआ, तो हमारे पास ये चीज़ ये कमांड कंसोल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं तो अगेन हम बैक टू द ओल्ड सिंटैक्स आ सकते हैं। हम इस तरह जितना चाहें शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर सकते हैं, अगर सिंगल कमांड है और मल्टीपल है हमारे पास तो हम इसमें आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ESX का एरो फंक्शन होते हैं। एरो फंक्शन हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं रिएक्ट में। तो ये चीज आपको अच्छे से देखनी है, अच्छे से इसको ग्रैप करना है इसके कॉन्सेप्ट को, ताकि हम इसको यूज कर सकें आगे। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है और उनको कैसे यूज करते हैं, और मैनिपुलेशन भी हम उसकी देखेंगे, एडिशन में कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो होता है एक की वैल्यू पेयर्स का। तो हमारे पास पेयर्स होते हैं एक इनकेप्सुलेटेड कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। जो हमारे, अभी मैं बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेरिएबल लिया है सीप, और उसको मैं एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ए डिफरेंट की वैल्यूज दे सकता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, उस वेरिएबल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल है सीप है तो मुझे पता है मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने नेम अब्दुल हसीब कर दिया, एज कर दी। तो हम जो ये की वैल्यूज दे रहे होते हैं तो उनको हम सेपरेट करते हैं इस कॉलम से, और उसके बाद मैंने एजुकेशन दे दी इंजीनियरिंग, और उसको हम एंड में कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू से। तो इस तरह हमारे पास एक ये सिंपल की वैल्यू पेयर बन जाता है। अगर हम इसको कंसोल करवा लें, असीब, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास एज, एजुकेशन और नेम आ गया। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ऑर्डर डिफरेंट है, वो इसलिए कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा होता है। पहले ए आया, फिर ई, फिर एम।
जब हम इसे कंसोल करवा रहे होते हैं तो इनका ऑर्डर अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक की कोई वैल्यू को हमने देखना है, कि अगर वो देखना चाह रहे हैं, उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम वो कैसे करते हैं? उसके दो सिंटेक्स हैं। एक, या तो हम एक हसीब लिख के आगे डॉट लगाएं। जैसे ही हम डॉट लगाएंगे, ये सबसे मोस्ट कॉमन सिंटेक्स है और जो यूज हो रहा होता है, एज आ जाती है, एजुकेशन और नेम। उसने हमें सजेशन में ही बता दिया कि आपके पास इस सब्जेक्ट में ये कीज हैं, इनकी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एजुकेशन को अगर एक्सेस करना है, उसके बाद तो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा आ गया। इसी तरह मैं एज को कर सकता हूँ और एजुकेशन को कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है, वो होता है स्क्वेयर ब्रैकेट के थ्रू। एरे, जिस तरह हम एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं, उस तरह इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए हम नंबर्स वहां पे देते थे, तो यहाँ पे हम की नेम देंगे स्ट्रिंग में। तो हम एज, एजुकेशन, नेम कोई भी दे सकते हैं। मैंने नेम दे दिया। अब मैं कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास अब्दुल हसीब लिखा आ रहा है। तो ये दो तरीके हैं, इनसे हम हसीब के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसको आगे लेके चले, अब देखें कि हम ऐड कैसे करते हैं हसीब के अंदर। हसीब का जो ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें हमने कोई एक और की ऐड करनी है, बाद में करनी है, इनिशियलाइजेशन के वक्त नहीं, बाद में अगर हम करना चाह रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? तो उसका एक सिंपल जो तरीका है, आप वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट लगाएं, उसके बाद आपने जो भी नया की देनी है इसको, उसका नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जीपीए लिख दिया, ये मेरी की का नाम हो गया, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा जो भी मैंने वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3.5 दे दिया। अब मैं अगर हसीब के ऑब्जेक्ट को कंसोल करवाऊंगा, तो मेरे पास जीपीए भी आ रही है, पूरा ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर जीपीए भी आ गई। तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जितना भी हम चाहें, जितने भी कीज चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इनकी वैल्यूज जो होती हैं की, वो आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, वेदर शुड बी अ स्ट्रिंग और इंटीजर, फ्लोट, बुलियन दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, वो भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक और देता हूँ, ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जीपीए, सी जीपीए करता हूँ, और इसमें मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा फर्स्ट फर्स्ट ईयर। मैंने दे दिया 3.6। सेकेंड ईयर 3.5। थर्ड ईयर 3.4। और इसको अब हम जब कंसोल करवाएंगे, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें अगर हम देखें तो सीजीपी के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, और हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इस तरह हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, हम इसके अंदर जो चाहें, जितना मर्जी नेस्टेड करना चाहें इसको कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करवा सकते हैं। अगर हम इसको आगे लेके चलें और इसको मैनिपुलेशन की तरफ देखें, कि इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, कोई हमने की वैल्यू को एडिट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? तो वो भी, उसका भी सिंटेक्स बिल्कुल इसी तरह, इस तरह हम ऐड करते हैं, उसी तरह हम हसीब लिख के जो भी हमने देना है इसको एडिट करने के लिए, को जिस की को एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एज को करना है, तो मैं एज लिख के न्यू वैल्यू दे दूंगा 23। के बाद जब मैं कंसोल करवाऊंगा, तो मेरी एज एडिट हो चुकी होगी, एज हमारे पास 23 आ गई। तो इस तरह हम नेस्टेड को भी करके देख लेते हैं एक बार। हसीब डॉट सी जी पी ए डॉट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को मैं की वैल्यू को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ 3.8। तो अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर की
जो वैल्यू है चेंज हो गई है कि नहीं, और हमारे पास फर्स्ट ईयर की सीजीपीए चेंज हो गई। तो इस तरह हम जितना चाहें नेस्टेड भी आगे जा सकते हैं, डॉट लगा के उसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर दोबारा देखते हैं कि हम इसको जब एरेज में यूज कर रहे होते हैं तो तब हम इसके साथ क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कि क्या क्या चीजें जो हमारे पास रिएक्ट में आगे काम आएंगी जब हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर रहे होंगे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर मैं पहले इंडेक्स पे एक दे रहा हूँ नेम, एज 23, एजुकेशन, इंजीनियरिंग। ये मैंने पहले इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं कॉमा लगा के दूसरे इंडेक्स पे आऊंगा, दूसरे इंडेक्स पे मैंने ये रख दिया, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। के बाद हम थर्ड इंडेक्स पे आएंगे और हमने दोबारा नाम चेंज कर दिया। तो इस तरह मेरे पास एक एरे बन गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके पहले इंडेक्स पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे और दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरे इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, तीसरे इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम इसको अगर हम कंसोल करवाएं पूरे एरे को, तो पूरे जब हम एरे को कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे तीन। उनको अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो 0 इंडेक्स पे हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, 1 इंडेक्स पे ये मिलेगा और 2 इंडेक्स पे ये मिलेगा। तो अगर यहाँ पे एक जो मेन चीज कॉन्सेप्ट वाली जो इंटरव्यूज में भी अक्सर पूछते हैं कि एरे की डेटा टाइप क्या है, अगर हम उसको क्लासिफाई करना चाहें कि एरे कहाँ पे आता है डेटा टाइप में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि एरे की क्या डेटा टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे की जो डेटा टाइप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हम एक की देते हैं, उसके बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आए इस एरे को देखें तो यहाँ पे भी यही सेम काम हो रहा है। एक की आई 0 की, कॉलन लगाया, उसके बाद वैल्यू आई, फिर एक की आई 1 की, फिर कॉलन लगाया, फिर एक वैल्यू आई, इसी तरह। तो अगर ये हम मैच करें तो ये स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरे की डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो जब जावास्क्रिप्ट इसे परसीव करती है, इसे इंटरप्रेट करती है, तो एज एन ऑब्जेक्ट भी कर रही होती है। अब हम इसको लूप लगा के देखते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्ट पे जाएंगे और रिएक्ट की डिफरेंट एपीआई से डेटा हम लेके आएंगे, तो वो डेटा हमारे पास सेम सेम किस्म का डेटा हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें आना चाहिए, लूप लगाना आना चाहिए कि हम पूरे उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स कर सकें, हर एक एक चीज को एक एक इंडेक्स पे जाके एक एक ऑब्जेक्ट को हम देख सकें कि हमारे पास क्या डेटा आया है। तो हम वो देखते हैं, और ऑब्वियसली जब हम एरे के एक एक इंडेक्स पे जाने की बात करेंगे तो हमारे पास लूप जहन में आता है। और इस चीज के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट लूप होता है वो फॉरिश का ही होता है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। फॉरिश का सिंटेक्स ये होता है, हम एरे का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, उसके बाद फॉरिश लिखते हैं, और इसके अंदर होता है एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमने बनाना सीखा था, हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एरो लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम यहाँ पे, और हमें पता है कि फॉरिच जो होता है एक एक इंडेक्स पे जाता है और वहां से उठा के जो भी उसके अंदर वैल्यू होती है उस इंडेक्स की वो जाके इस एलिमेंट के आर्गुमेंट में दे देता है, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं आगे। तो हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं एलिमेंट को। तो अब ये स्टूडेंट का एरे जब फॉरिश लूप पे लगेगा तो फॉरिश क्या करेगा, एक एक इंडेक्स पे जाएगा, पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट उसे 0 इंडेक्स पे मिलेगा वो यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा,
और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। इसी तरह फिर अगले लूप में वो इस इंडेक्स पे जाके उसको इधर स्टोर कर देगा, फिर हम उसे यूज कर लेंगे, फिर इधर आएगा, फिर उसे हम यूज कर लेंगे। इसको हम चला के एक बार देख लें तो अब हमारे पास अलग अलग कंसोल हुआ है, तीन तीन दफा कंसोल हुआ है, और हर तीनों दफा 0, 1 और 2 इंडेक्स पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास कंसोल हो गया। अब इसको यहीं पे हम चाहें तो उसको और फर्दर देख सकते हैं कैसे, कि आप अभी तो हमने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कंसोल करवा दिया उस इंडेक्स पे जो था, हम उसकी आगे वैल्यू देखना चाहें तो हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। इसका नेम था और यहाँ पे एज कर लिया, यहाँ पे एजुकेशन कर लिया। अब हम अगर दोबारा कंसोल करवाएं तो हमारे पास हर उसके ऑब्जेक्ट की एक एक वैल्यू अलग अलग से कंसोल होके आ गई। तो इस तरह हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लूप के थ्रू देख सकते हैं और उसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वो हर इंडेक्स पे जाएगा, उसकी पूरी वैल्यू उठा के आपने जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया होगा वहां पे रखेगा, और उसको हम फिर आगे यूज कर सकते हैं। उसको डॉट लगा के उसके अंदर की कीज को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को देख सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास बहुत काम आने वाली है आगे जब हम रिएक्ट पे इसको काम कर रहे हो। अब हम ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के अगर हम जावास्क्रिप्ट की एचटीएमएल मैनिपुलेशन की तरफ आए तो वो हम थोड़ा रिवाइज कर लें कि वो कैसे हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, कोई भी क्लास दे दी मैंने डिव 1 की, तो मैं लिखता हूँ नथिंग हेयर। तो मैं अगर सेव करके चलाऊं तो मेरे पास नथिंग हेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो, नथिंग हेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस पूरे एलिमेंट को रेफर कर रहा होता है, इस पूरे एचटीएमएल के पेज को रेफर कर रहा होता है। इसके अंदर डिफरेंट आगे इसके क्लासेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक मेथड को एक्सेस करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसका नाम है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो अगर हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करें और यहाँ पे हम div1 दे दें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो जब हम क्लास नेम को ये वाला फंक्शन जब चला रहे होते हैं तो ये फंक्शन हमें एक एरे रिटर्न कर रहा होता है। उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी क्लास नेम इससे मैच कर रही होगी वो हमें उस एरे में डाल के दे देगा। तो अभी हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिव है जिसका ये क्लास मैच हो रही है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एरे जो आएगा उसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स होगा, उसके 0 इंडेक्स पे हमें ये मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका जो 0 इंडेक्स होगा उसको हमने एक्सेस करना है, और अगर हम उन्हें उसका चेंज करना है, इनर टेक्स्ट चेंज करना है, इनर एचटीएमएल चेंज करनी है, तो हम आगे डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे और यहाँ पे हमने जो भी लिखना है उसकी चेंज करके वो लिखेंगे। अब हम अगर इसको चलाएं तो मेरे पास अब्दुल हसीब लिखा हुआ आ गया, तो उसने मैच किया कि ये वाला फंक्शन चला के वो उस एलिमेंट पे आया, उसके बाद उसकी इनर एचटीएमएल उसने चेंज कर दी। इसी तरह ये यहाँ पे आईडी दे दूं नेम की, तो आईडी में हमें पता है आईडीज यूनिक होती हैं, तो इसमें हमारे पास मैचिंग सेम तरह की ज्यादा सारी तो मिलेंगी नहीं, सिर्फ एक ही मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमें एरे नहीं मिलता। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय हम आईडी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी जो भी हमने सर्च करवानी है वो दे देंगे, उसके बाद उसका इनर एचटीएमएल चेंज कर देंगे। तो अगर हम दोबारा चलें तो गेन हमारे पास बिल्कुल सही चले, सही। इसी तरह हम इनर एचटीएमएल चेंज करते थे, और इसके बाद अगर हम इसकी स्टाइल को देखें, स्टाइल कैसे हम इसका मैनिपुलेट कर सकते थे एचटीएमएल में, तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल का ऑब्जेक्ट होता था। स्टाइल को एक्सेस करके उसके बाद आगे डॉट लगा के हमारे पास पूरी सीएसएस के जितने भी स्टाइल हैं वो आ जाते थे। हमें जो भी स्टाइल इसका चेंज करवाना है हम वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना चाहूंगा रेड, तो
अब हम मैं अगर चलाऊंगा तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर पूरे डिव का रेड हो गया। तो इस तरह हम स्टाइल के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर सकते थे जावास्क्रिप्ट में, पूरी अपने HTML के किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है तो यहाँ से हो सकता था। अब हम अगर बात करें कि हम इसको डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं डिव के अंदर एक बनाऊं खुद जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैं ये अभी तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे डिव के अंदर एक पी का टैग बनाऊं और यहाँ पे फुल तो हसीब लिख दूं, इसको कमेंट आउट कर दूं। मेरे पास अब्दुल हसीब लिखा हुआ आ गया। एक तरीका तो हमारे पास ये है, लेकिन अगर काफी बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें रन टाइम पे बनाना पड़ता है, जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है उस हिसाब से हमें HTML के एलिमेंट क्रिएट करना होते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हो सकते हैं डायनामिकली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही मैनिपुलेट कर सकती है HTML को। और HTML तो स्टैटिक है, हम उसमें डायनामिकली तो कुछ कर नहीं सकते, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है। तो अब हम अगर देखें कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करते थे, तो मैं यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट लिखूंगा और एक और फंक्शन को एक्सेस करना चाहूंगा यहाँ पे, उसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट के अंदर मुझे जो सा भी टैग बनाना है वो मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पी का टैग बनाना है तो मैंने पी लिख दिया, और इसको मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, मैं इसको नाम देता हूँ पी टैग। तो अब ये मैंने एक एलिमेंट बनाया, उस पी के टैग के अंदर क्या होगा, इनर एचटीएमएल उसका टेक्स्ट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अब पी टैग के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, पी टैग डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू अब पी। अब हमारे पास वो इनर एचटीएमएल भी आ गया। अब मैंने इस जो एलिमेंट बनाया है, अब मैं उसको किस डिव के अंदर रखना चाह रहा हूँ, किस टैग के अंदर रखना चाह रहा हूँ, आइदर मैं इसको इस डिव के अंदर रखना चाह रहा हूँ या मैं किसी डिव के अंदर रखना नहीं चाह रहा, मैं बॉडी के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो वो देख लेते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस डिव के अंदर रखना चाहूँ, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट एलिमेंट कर लेते हैं हम, ताकि हमारे पास ये वाला डिव जो है एक्सेसिबल हो। तो उसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैं नेम दे देता हूँ ताकि मेरे पास ये वाला एलिमेंट एक्सेसिबल हो जाए, और उसके बाद फिर मैं करूँगा डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। हम इसका एक चाइल्ड एलिमेंट बना रहे हैं, चाइल्ड टैग बना रहे हैं, इसलिए हमने अपेंड चाइल्ड किया। और इस चाइल्ड के अंदर हम जो भी इसका चिल्ड्रन हमने एलिमेंट बनाया था उसको हमने इस वेरिएबल में रखा हुआ, तो हम यहाँ पे पी टैग कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, जब ये चलेगा तो ये पहले एक एलिमेंट बनेगा पी का, के बाद उसकी इनर एचटीएमएल जो होगी वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने जिसमें रखना उसको एक्सेस करके के बाद फिर हमने उसको अपेंड कर दिया उसके अंदर। अब मैं अगर चलाऊं तो मेरे पास अब्दुल हसीब लिखा हुआ आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें अपना यहाँ पे अगर बोर्ड में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक डिव है, इसके अंदर कोई पी का टैग नहीं है। लेकिन जब हमने अपना ये चलाई फाइल चलाई और जावास्क्रिप्ट रन हुई, तो अब अगर हम ये डिव देखेंगे तो इस डिव के अंदर एक पी का टैग ऑलरेडी बना हुआ होगा, वो हमने डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया। तो इस तरह ये इतना सारा प्रोसीजर होता है सिर्फ एक छोटा सा पी का टैग बनाने के लिए। और अभी तो मैंने इस पी के टैग के अंदर कोई क्लास नहीं दी, कोई आईडी नहीं दी। अगर मैं वो देना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे फिर पी टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे जाके यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देना होगा और फिर उसकी वैल्यू इस तरह करके। तो आपको अभी से ही अंदाजा हो रहा होगा कि अगर हमें
अगर हम सिर्फ वेनिला जावास्क्रिप्ट पे बैठे रहते और सिर्फ HTML CSS पे बैठे रहते और हमें इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनानी हो और उनको डायनेमिकली शो करवाना हो चीज़ों को, तो हमें कितना लंबा कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ एक छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने के लिए, सिर्फ एक टैग बनाने के लिए इतना लंबा लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ये बनाए थे, अपने प्रोजेक्ट्स में मैंने डायनेमिकली, तब मुझे रेक नहीं आती थी ना मुझे पता था, तो मैं इतना लंबा काम करता था एक एक एलिमेंट को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रिएक्ट की इम्पोर्टेंस की तरफ एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ कि हर रिएक्ट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब वो इसीलिए कि अब रिएक्ट के थ्रू ये सारा कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट क्या करेगी, रिएक्ट आपको सिर्फ बोलेगी कि आप HTML की तरह का ही कोड लिखो, वो खुद ब खुद उस कोड को देख के आप बैक एंड पे वो खुद ब खुद ये कोड आपका लॉजिक खुद ब खुद जनरेट कर देगी और वो रेंडर करवा देगी। सब कुछ डायनेमिकली वो खुद करेगी, हमें बस HTML की तरह का अपना कोड लिखना होगा और अपनी लॉजिक जो भी हम फंक्शंस होते हैं वो लिखने होंगे। बाकी जो काम है वो रिएक्ट करेगी, वो एलिमेंट बनाने वाला जो काम है वो खुद ब खुद हो जाएगा, उसे हम JSX कहते हैं। जब हम जावा रिएक्ट में हम जब HTML के एलिमेंट बना रहे होंगे, वो दिखने में तो HTML जैसे ही होंगे लेकिन असल में वो HTML होगी नहीं, वो JSX होगी। तो JSX का मतलब ही यही है कि जावास्क्रिप्ट एलिमेंट, वो जावास्क्रिप्ट के वो एलिमेंट बिल्कुल दिखने में दे आर प्रीटी मच सिमिलर टू HTML। तो हम जब रिएक्ट की तरफ आएंगे तो हम उनको भी देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। यहाँ पे बस ये इम्पोर्टेंस मैं आपको एम्फोसाइज करवा रहा था, जो आई होप कि अब हमें आइडिया हो गया होगा कि हमें हमें रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए और रिएक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, HTML CSS और वेनिला जावास्क्रिप्ट में क्या चीज़ लैकिंग थी जो कि अब रिएक्ट ने पूरी की है। तो अगर हम अब रिएक्ट की तरफ आए तो रिएक्ट को इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें वो कैसे होती हैं, तो रिएक्ट के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है, कि जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है नोड जेएस की। आपके पास मेक श्योर कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नोड जेएस की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से LTS वर्जन आप डाउनलोड कर लें और उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन बहुत सिमिलर है, ईजी है, तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने CMD खोलना है। CMD हमारे पास खुल गया। अब यहाँ पे हमने लिखना है npm install के बाद स्पेस देके create dash react dash app minus g। अब ये क्या कर रहा है, अगर इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, हम पहले जरा react js इंस्टॉल कैसे होती है और react js को वेबसाइट अगर देख लें रिएक्ट जेएस की, तो वो क्या कह रही है हम वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेडिंग में हमें एक लाइन दिखेगी, कमांड दिखेगी जिससे हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनता है। तो वो क्या कह रही है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप डैश जी। डैश जी मैंने इसलिए किया, इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम कहीं भी अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वहाँ पे ये क्रिएट रिएक्ट ऐप एक्सेसिबल होगी और वो एरर नहीं देगा, तो इसलिए हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे अभी पॉज करूँ, जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है, तो अब हम आराम से वो कर सकते हैं, जो हमारे पास रिएक्ट जेएस के डॉक्स में जो कमांड है उसको चला सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से, यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे npx इन्होंने गलती से नहीं लिखा, ये npx के थ्रू ही इंस्टॉल होता है। तो
ये मेक श्योर कि आप npx ही लिखें यहाँ पे, और क्रिएट रिएक्ट ऐप तो सेम रहेगा। यहाँ पे जो नेमिंग नेम है आप अपना कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देना चाहूँ कोई भी नेम, हसीब प्रोजेक्ट, तो मैं दे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस के अलावा आप डैश दे दें तो वो बेहतर रहेगा। तो हम के बाद अगर ये कमांड चलाएंगे, प्रेस एंटर करेंगे, तो हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्ट जब इंस्टॉल होती है तो काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस और लाइब्रेरीज होती है, उसको अपने साथ लेके आना होता है बिल्ट इन। तो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम के वो अपनी सारी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सके। फिर इतना देख सकते हैं हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हम को आगे दोबारा देख के चलेंगे। ओके जी, हमारा यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम इसको चलाएंगे कैसे। तो हम सबसे पहले तो ये इसकी डायरेक्टरी खोल के देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है, उसका फोल्डर कहाँ पे है। तो जिस तरह हमने ये कमांड चलाई थी, इधर सी यूजर्स HP के फोल्डर में, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर भी बनेगा हसीब प्रोजेक्ट के नाम से, वो उधर ही बना होगा। तो अभी हम जाके देखते हैं सी में, सी यूजर्स HP। यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ हसीब ऐप, हसीब प्रोजेक्ट, ओके। तो हमारा ये रिएक्ट का डायरेक्टरी बन चुकी है। यहाँ पे हमारा ये हमारा बेसिकली एक बिल्ट इन जो स्टार्टअप रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस फोल्डर में बन के आती हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, हम वीएस कोड में खोल लेते हैं। मैं यहाँ से ओपन विद वीएस कोड कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये पूरी हसीब प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है ये खुल जाएगा मेरे पास वीएस कोड के अंदर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट खुल चुका है वीएस कोड में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें तीन फोल्डर्स दिखेंगे और चार फाइल्स दिखेंगी। अगर चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर अगर हम देखें, तो जैसे ही मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो मुझे बेतहाशा फोल्डर्स और दिखेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट अपने इंस्टॉलेशन के साथ लाता है, इसमें बिल्ट इन उसके साथ आती हैं। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइब्रेरीज, पैकेजेस, जो भी हम भी इंस्टॉल करेंगे और जो रिएक्ट इंस्टॉल करता है वो सब चीज़ें वो नोड मॉड्यूल्स में रखता है। तो इससे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे नोड मॉड्यूल्स करता क्या है, उस फोल्डर का मकसद क्या है यहाँ पे, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जिससे मैंने बताया कि हम जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे, लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर होंगे। और इसी तरह जो बिल्ट इन भी आते हैं जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी नोड मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर हम पब्लिक का फोल्डर देखें, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो मेरे पास एक आइकन मिलेगा और एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल मिलेगी, और बाकी मेरे पास टेक्स्ट फाइल है और एक आइकन्स हैं फर्दर। अगर हम इंडेक्स डॉट HTML की फाइल को देखें, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल इस तरह है कि जिस तरह मैंने बताया कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट, रिएक्ट जो होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है। तो हम हमें पता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में सिर्फ एक HTML का पेज होता है, एक HTML की फाइल होती है, उसी के अंदर सब चीज़ें डायनेमिकली रेंडर हो के आ रही होती हैं। तो सब चीज़ें जिस तरह हम जो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिएक्ट अपने एलिमेंट्स बनाएगी, जो भी लॉजिक होगी हमारी, सब चीज़ें इसी इंडेक्स डॉट HTML की फाइल में आ रही होंगी। और वो कहाँ आ रही होंगी, वो इस बॉडी के टैग के अंदर, इस ये जो डिव है जिसमें आईडी हमने इसने रूट दी हुई है, इसके अंदर वो खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट करेगा। जो भी जिस तरह हमने मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था, क्रिएट एलिमेंट से P का टैग, इसी तरह हम जो भी अपने टैग्स वगैरह इधर लिखेंगे, कोड करेंगे, तो वो उसको बैक लॉजिक के थ्रू यहाँ पे
बनाता जाएगा। तो ये इसको हमने इतना छेड़ना नहीं होता, ये यहाँ से इसका भी हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, रिएक्ट खुद ही देख रही होती है, इसको हैंडल कर रही होती है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि हमारी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसकी जो एक जो HTML की फाइल है वो कहाँ होती है, वो पब्लिक के फोल्डर में होती है और वहाँ पे index.html होता है। तो यहाँ पे हम ये इस टिप के अंदर सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसका अगर मैं बंद कर दूं, पब्लिक के फोल्डर के बाद अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन जो हमारा फोल्डर है SRC का, यहाँ पे आऊं, सोर्स का फोल्डर जो है हमारा, यहाँ पे सारी चीजें होती हैं हमारी, जिनसे हमारा इंटरेक्शन 95% ऑफ द टाइम्स यहीं से इंटरेक्शन हो रहा होगा हमारा। तो यहाँ पे हमें काफी चीजें मिलेंगी, इनमें से एक बहुत सी चीजें अननेसेसरी हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं होती तो हम इनको बाद में डिलीट भी कर देंगे, लेकिन अभी फॉर द मोमेंट हम अभी इनको रखते हैं। जो दो मेन फाइल्स हैं उनसे मैं आपका इंटरेक्शन करवा देता हूँ ताकि हमें पता हो कि करती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास index.js आती है, जो सबसे मेन फाइल है। जब भी रिएक्ट अपनी चीजें बनाना स्टार्ट करती तो सबसे पहले वो SRC के फोल्डर के अंदर index.js में जाती है, यहाँ से वो बनाना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको फेमिलियर कमांड दिखेगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उस पर रूट लिखा हुआ है। तो जिससे मैंने बताया था कि रिएक्ट जो है अपनी जितनी भी रेंडरिंग करती है, जितने भी एलिमेंट्स बनाएगी, वो रूट की आईडी जो डिव को दी हुई उसमें बनाएगी। तो आपको यहाँ से ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि यहाँ पे रिएक्ट वही काम कर रही है, उस आईडी को ला रही है यहाँ पे, और फिर इसके अंदर वो सब चीजें करेगी। उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक ऐप का टैग मिलेगा। अभी बाकी चीज़ों को मैं स्किप करूं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये क्या इंपोर्ट कैसे होता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं। अभी अगर आप देखें यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, ऐप तो ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐप उसने इम्पोर्ट की हुई है। तो app.js में अगर हम जाएं जो कि उसने इम्पोर्ट की हुई है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फेमिलियर चीज देखिए, इस लिहाज से कि आपको यहाँ पे वेनिला जावास्क्रिप्ट की तरह फंक्शन का सिंटेक्स दिखेगा, और वहां पे नेम और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको रिटर्न के अंदर HTML से मिलती जुलती चीजें दिख रही होंगी। ये जो आपकी चीज है, ये चीज जावास्क्रिप्ट रेंडर करेगी क्रिएट एलिमेंट करके, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद बैक एंड पे लॉजिक पे खुद ब खुद ये चीजें क्रिएट कर रही होती है और वो इस टिप के अंदर डालेगी। तो वो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे इस रिटर्न के अंदर जो भी हम लिखेंगे, वो फिर रिएक्ट जो है उसका कोड खुद ब खुद करके तो वो HTML बना के इधर डालेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये HTML है, हरगिज नहीं, ये HTML बिल्कुल नहीं है, ये HTML से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसको हम HTML बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये आप कॉन्सेप्ट अभी से दिमाग में डालें, इसको क्लियर करें, ये HTML बिल्कुल नहीं है, HTML से मिलती जुलती चीज है, लेकिन उसको HTML कहेंगे नहीं, इसको हम JSX कहते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो रिएक्ट वालों ने इसको बिल्कुल HTML जैसा ही बनाया, इनके टैग्स को, यहाँ पे भी div होता है, इमेज का टैग होता है, p का टैग होता है, a का टैग है, हेडर है, तो सारी टैग्स जो हैं उन्होंने HTML वाले उठाए हैं। और यहाँ पे बस हल्की फुल्की एक दो चेंजेस होगी, जिस तरह हम वहाँ पे HTML में क्लास लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास नेम से हम क्लास को डिफाइन करते हैं। तो ये एक दो चीजें होती हैं जो हल्की फुल्की हैं डिफरेंट, बाकी जो हमारा HTML जैसा जो सिंटेक्स है, UI का सिंटेक्स है, वो प्रीटी मच सेम है, हम रिएक्ट में जैसे लिख रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं कि हम इसको कैसे चला सकते हैं। चलाने के लिए हम अब हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम CMD वाला तरीका देख लेते हैं। ये मेरा फोल्डर था प्रोजेक्ट वाला, इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं CMD लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो मेरे पास इस डायरेक्टरी का CMD खुल जाएगा, हसीब प्रोजेक्ट। यहाँ पे अब मैं क्या कमांड लिखूंगा कि मेरे पास ये चल जाएगी, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल जाएगा।
अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्या क्या कमांड्स अलाउ करता है वो हमें कैसे पता चलेगा, या और रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी हमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल से। अगर हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल को खोलें तो आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसका नाम, वर्जन, डिपेंडेंसीज आपको मिल जाएंगी। डिपेंडेंसीज वो चीजें हैं जो इस वो लाइब्रेरीज पैकेजेस जो इसने इंस्टॉल किए हुए हैं इस वक्त प्रोजेक्ट में करंटली। तो अगर आप भी देखें तो ये अपने साथ ये सारे जो चीजें हैं ये लाइब्रेरीज अपने साथ इंस्टॉल करके लाया है। तो इसने यहाँ पे शो किया है कि मैंने रिएक्ट को पैकेज को इंस्टॉल किया है, रिएक्ट डॉम को किया है, रिएक्ट स्ट्रिप्स को किया, इस तरह करके। इसी तरह हमारे पास स्क्रिप्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। स्क्रिप्ट्स मतलब वो कोड, वो कमांड्स जो हम इस कुछ चला सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारे पास स्टार्ट की कमांड है, बिल्ड की है, टेस्ट की है, इजेक्ट की है। तो अभी ये तीन कमांड्स तो हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, इनको अभी हम इग्नोर करेंगे। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस कमांड है वो हमें दिख रही है, वो है स्टार्ट। तो हम ये वाली कमांड को चलाएंगे। तो इसको चलाते कैसे हैं, हम अगेन cmd पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे npm start start, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही देर में इसका डेवलपमेंट सर्वर चल जाएगा। इसका डेवलपमेंट सर्वर हमारे पास चलता है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे। तो जब जैसे ही ये ब्राउजर पे अपना प्रोजेक्ट को टैब में खोलेगा तो आपको यूआरएल में भी दिख जाएगा लोकल होस्ट 3000 लिखा होगा। तो हमेशा ये डिफॉल्ट पे 3000 पोर्ट पे अपना प्रोजेक्ट चला रही होती है। और आपको इसमें ये चीज़ होती है कि आपको खुद ब्राउजर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको एक बार npm स्टार्ट कर दें। जैसे ही अपनी ये लोडिंग पूरी करेगा तो ये खुद ब खुद ही अपनी आपके पास ब्राउजर खोल के, आपके पास भले ब्राउजर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, अगर नहीं खुला हुआ है तो खुद ब खुद खोल के तो आपको उस टैब पे खुद ब खुद ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर लिखा आ गया, कुछ देर में ये हमारे पास ब्राउजर खोल देगा जैसे ही हमारा ये डेवलपमेंट सर्वर लोड होकर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो लोकल होस्ट 3000 पे हमें एक टैब में ये प्रोजेक्ट खुलता हुआ नजर आएगा। लोडिंग हो रही है अभी फिलहाल, थोड़ी देर में कुछ सेकंड के बाद ये लोड हो जाएगा और हमारे पास इस तरह रिएक्ट का प्रोजेक्ट बिल्ट इन जो भी ये सारी चीज होगी ये चीज हमें उधर बनती हुई रेंडर होती हुई दिखाई देगी। और इस तरह हमारे पास हम एक सक्सेसफुली रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके उसको हम चलाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक चीज इसमें जो एक और बताने वाली फीचर है वो ये कि जब हम HTML की फाइल को देख रहे होते थे तो हमें रीलोड करना पड़ता था जब भी हम कोई चेंज करते थे, जबकि रिएक्ट में ये चीज नहीं है। रिएक्ट में हम कोई भी चेंज करके जैसे ही सेव करेंगे तो वो खुद ब खुद रीलोड हो जाएगा, वो खुद ब खुद चेंजेस उसके शो हो जाएंगे स्क्रीन पे। तो हम देख सकते हैं हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, कम्प्लीटली लोड हो चुका है। यहाँ पे एक रिएक्ट का लोगो है जो कि रोटेट कर रहा है और CSS के थ्रू, और उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे पास शो हुआ है, और एक लिंक का टैग है, एक का टैग है। तो जब भी हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये चीज दिखती है, और इसको हम फिर यहाँ पे अगर एडिट करना चाहें कोई चीज तो हम एडिट करके भी देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको एडिट करके दिखाऊंगा ताकि हमें ये चीज भी पता लगे कि कैसे ये खुद ब खुद चीजों को अपडेट कर देता है जैसे ही हम यहाँ से कोई चीज चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारा हटा के यहाँ पे अब्दुल हसीब लिखता हूँ प्रोजेक्ट, अब मैंने पी के टैग में अब्दुल हसीब प्रोजेक्ट लिखा है, अभी मैंने सेव नहीं किया app.js को। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ से तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा और उसने मुझे शो कर दिया जो भी मेरे चेंजेस थे। तो इस तरह हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये देख रहा होता है, लिसन कर रहा होता है, जैसे ही हमारे पास रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कोई चीज चेंज होती है तो ये फौरन उस चेंजेस को यहाँ पे अपने पास अपडेट कर लेता है। तो एक रिएक्ट का फीचर है, खासियत है हमारे पास के रिएक्ट में हम ऐसे करते हैं।
अभी राइट नाउ हम इसको यहाँ तक रखेंगे। आपका काम यह है कि आपने इसमें आपको जितनी HTML आती है आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, और आप टैग लगा के देखें, आप डिव का टैग लगा के देखें, आप हेडिंग का टैग लगा के देखें, आपने इसको इसके साथ खेलें और आप इसको एक्सप्लोर करें कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। उसको सेव करके आप देखें यहाँ पे कि मेरे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आपको उससे और थोड़ा आइडिया होगा कि हम इसको चलाते कैसे हैं, इस पे काम कैसे होता है, इसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, फोल्डर स्ट्रक्चर में से मैंने आपको आगाह कर दिया। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में फिर इसको कोर्स के हिसाब से इसको लेके चलेंगे कि हमने इसको आगे क्या क्या चीज़ें पीरियोडिकली सीखनी है। तो हाँ, इस वीक का हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम दोबारा इसको देखेंगे।